हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें हम शुरू कर रहे हैं फेस ड्राइंग। ये नॉर्मली लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन मेरा कहना ये है ये बहुत आसान है अगर आप हमारे वीडियोज़ को फॉलो करते हो, ढंग से देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो कोई भी आराम से और आसानी से एक फेस ड्रॉ कर सकता है। और आप सबको रिक्वेस्ट है, हमारे पास सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, पता नहीं क्यों बढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग शायद सब्सक्राइब नहीं करते हो या अनसब्सक्राइब कर लेते हो। आपको रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत काम की वीडियोस है, हम बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी डिटेल में बताते हैं। हो सकता है इसलिए आपको ये बोरिंग लगता हो, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है हम उसको बताते हैं। अगर कोई रियल सेंस में ड्राइंग सीखना चाहे तो उसको पहले थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ABCD ड्रॉ करना किसको अच्छा लगता है, लेकिन हमने कितने बार पता नहीं उसको लिखे हैं, उसका बाद जाके अभी हम फ्लुएंटली बिल्कुल बिना सोचे वर्ड्स और सेंटेंस बना लेते हैं। तो ये वैसा ही है, ड्राइंग भी वैसा ही है, थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा प्रैक्टिस। आप लोगों का अगर रोज करें या कभी भी टाइम मिले करें तो आप ज़रूर एक फेस ड्राइंग या कोई भी हम जो वीडियोस बनाते हैं उसको आप बना सकते हो। तो आज से ये छोटे वीडियोस रहेंगे, क्योंकि लंबे होने से आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा तकलीफ होता होगा। मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा रखूँगा और रिपीटेड इंटरवल में इसको डालूँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सको। अभी हम बात कर रहे हैं फेस। इसमें हम ये मैं बातें कर रहा हूँ, ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है, स्किप मत कर जाना। स्किप जो करेगा वो ही लूज़र होगा, सीख नहीं पाएगा। फेस में सिर्फ फेस ड्राइंग जो है वो डिफ़िकल्ट लोगों के लिए होता है, मैं इसको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कर लूँगा। चेहरा क्या होता है, एक चेहरा का जो शेप होता है, वो जो शेप है वो करीब करीब अगर हम उसका बाल निकाल दें, किसी भी औरत हो, मर्द हो, अगर हम बाल निकाल लेते हैं, ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा डार्कन कर लेता हूँ। मैंने आपके लिए शुरुआत जो हमारे वीडियोस था, शुरुआती वीडियोस थे, उसमें लाइन ड्राइंग का प्रैक्टिस भी करवाया हूँ। अगर आपका ड्राइंग लाइन परफेक्ट होती है तो आप एक बार में इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैंने अभी इसको ड्रॉ किया, थोड़े थोड़े मिस्टेक्स होंगे, मैं उसको करेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसका ज़रूरत नहीं है। आपका अगर लाइन का प्रैक्टिस हो, लाइन को प्रैक्टिस किए हो, तो आगे किसी भी तरह के ड्राइंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग देखे नहीं हैं वो लोग ज़रूर देखे जाके हमारे जो फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का वीडियो प्लेलिस्ट में है, एक नंबर वीडियो से लेके उसका बाद आप एक एक का बाद एक देखते जाए, अगर आप रियली चाहते हो कि सही मायने में आप ड्राइंग सीखो या आ जाए, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बात करते हैं, अगर एक चेहरा है एवरेज चेहरा, मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि सारे चेहरा एक जैसा होता है, एक जैसा किसी का भी चेहरा नहीं होता, लेकिन इसका जो कंटूरिंग है, जो आउटर शेप है, अगर हम इसका बाल को निकाल दें तो करीब करीब एक अंडे का अंदर ये बैठता है। इसका डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पहले ओवरऑल हल्का फुल्का ढंग से समझ लेते हैं। और ये अंडे शेप का होता है, अंडा तो सब देखे ही होंगे, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी का चीन मोटी होती है, किसी का पतली होती है, अलग बात है, लेकिन हम एवरेज सेंस में देखेंगे तो ये एक अंडा जैसा शेप का है। अगर ये अंडा आपको ड्रॉ करना नहीं आता है किसी को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक सर्कल बनाएंगे। अगर सर्कल आपको बनाना आता हो, हम कंपास का हेल्प नहीं लेंगे, सर्कल बनाएंगे और ये जो है इसको हम आधा कर लिए, मान लीजिए आधा कर लिए, इसको और आधा कर लिए, तो इतना और नीचे हम आएंगे। ये आप, मैं इसको थोड़ा सा डार्कन कर लेता हूँ ताकि आपको परफेक्टली दिख जाए। ये एक सर्कल हुआ, इसको मैं आधा किया अप्रोक्सीमेटली, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको और आधा किया, तो इतने और हमारा नीचे आना चाहिए। फिर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा
और यहाँ मिला दूंगा। यहाँ थोड़ा सा इसको फ्लैट रखेंगे और यहाँ मिला देंगे। तो ये हो गया आपका चेहरा। तो मैं यहाँ बिना देखे करीब करीब ऐसे ही एक शेप ड्रॉ किया है। अगर ये शेप एक बार में नहीं बढ़ता है, किसी का लंबा हो रहा हो, किसी का जैसे मान लो कोई लंबा कर दिया, ऐसा हो गया। तो ऐसे लंबे चेहरे भी होते हैं, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। थोड़ा लंबा कम हो जाए या छोटा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इस तरह का शेप होना चाहिए। तो अभी क्या होता है, अभी हम देखेंगे नाक जो चेहरे में होती है, आंखें, नाक, मुंह, कान, ये चार होते हैं। तो इसका प्लेसमेंट्स क्या है। अगर ये अंडा आपका परफेक्ट बन गया तो हम इसका सेंटर लेंगे। आप इसको ऐसे सेंटर रख के अंदाजा में कर सकते हो, ये सेंटर में एक लाइन में इसको डार्क कर रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सेंटर बन गया। अभी यहाँ से लेके हेड का टॉप से लेके चिन तक हम इसको आधा करेंगे, आधा अप्रोक्सीमेटली आधा यहाँ तक दिख रहा है। तो इसको हम पैरेलल करके इसका साथ पेपर के साथ एक लाइन खींचते हैं। ये हो गया आधा, शायद थोड़ा सा छोटा बड़ा है, आप काम चला लेते हैं। तो फिर ये इसका और आधा करेंगे। ये जो आधे पार्ट है बिल्कुल आधा है, आँख यहाँ आती है, इस लाइन का ऊपर आँखें आती है, मैं अभी ड्रॉ करके बताऊँगा। फिर इसको अगर आधा कर देंगे, इसको आधा अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ एक डॉट डालता हूँ और इसको आधा करता हूँ, ये आपका आ गया यहाँ नाक का प्लेसमेंट होगा, मतलब नाक का टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मुंह के लिए हम क्या करेंगे, इसको और आधा कर लेंगे, मतलब ये पहले आधा किए, इसका ऊपर कुछ नहीं बनेगा, ये फोरहेड है और बाल है यहाँ आएगी। तो ये नाक का एरिया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जो है माउथ का एरिया है, माउथ का एंड यहाँ है, इसका नीचे नहीं आएगी। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो और याद रहे। अभी ये हो गया आपका नाक और ये हो गया माउथ, मतलब नोज से लेके माउथ तक। यहाँ होठों का ऊपर थोड़ा स्पेस होती है, जहाँ मूछें होती है लड़कों का, ये स्पेस हम छोड़ेंगे और ये इंक्लूडेड है, ये मिला हुआ है इस स्पेस का अंदर। अब आँख इधर आएगी, इधर आएगी। अब हमें देखना है कि नाक का चौड़ाई कितना है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2, ठीक है। ये टोटल का ये आधा हो गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसे अगर कोई याद कर सकता है बिना देखे तो बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, ये टोटल एरिया का आधा ये हो गया, और ये एरिया का 1/4, इसको 1/4 कर लेते हैं, 1/4 या आधे का आधा। इसको आधा किया, पहले टोटल को आधा किया, इतने एरिया में हमारे आँख नाक जो भी बनेगा, ऊपर कुछ नहीं, 4/8। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ आपके आसानी के लिए, समझने के लिए आपको आसान होगा। पहले आधा किया, फिर आधे को आधा करेंगे, ये हो गया आधा, इसका आधा, इसका आधा, ये तीन लाइन बन गए। अभी हो गया बात। अभी हम देखेंगे कि नाक का मेजरमेंट क्या है। अभी हम क्या करें, यहाँ से यहाँ जो दिख रहे हैं हमें, इसको आधा करते हैं, ओके, फिर इसको आधा करेंगे, ओके, इसको आधा करते हैं, फिर इसको आधा करेंगे। अभी नाक इतनी बड़ी होगी, ये एरिया, तो मैं इसका मेजरमेंट में बताऊंगा, लेकिन अभी हम देखते हैं। थोड़ा सा याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना ही पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ जो था उसको आधा किया, फिर इसको आधा किया, ये बन गया नाक का। मैं इसको एक लाइन खींच देता हूँ तो ये लाइन से आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर ये लाइन को खींच, ये जो मैं कर रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेट है,
ना किसी के पतले हो सकते हैं, किसी के चौड़े हो सकते हैं। अब ये बन गया नाक, मैंने बताया था नाक का एरिया इतना है नोज, और यहाँ है नाक का एक बॉल होती है, एक बॉल होती है नाक, और उसका बाद नाक का पूड़ा। तो अभी हम इसको आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे ये, और यहाँ हम एक बॉल बनाएंगे ये एरिया में, इसको टच करके। इसको फिर डिटेल में, नाक का ड्राइंग डिटेल में मैं बताऊंगा, फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ से नाक का पूड़ा हो गया, नाक का मैं इसको हल्का फुल्का बता रहा हूँ, अभी नाक का डिटेल में जाएंगे जब नाक का ड्राइंग करेंगे, हम बिल्कुल नाक को अलग सा सीखेंगे। तो अभी प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है। अभी आँखें जो है बिल्कुल इसका सीधे में यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से लेफ्ट तरफ, यहाँ से राइट तरफ। और अभी आँखों का साइज़ क्या है ये भी लोग सोचते हैं कि साइज़ क्या हो सकता है। नाक जितनी बड़ी है एग्जैक्टली, या वो छोटी बड़ी हो सकती है, ये एवरेज है मैं जो बता रहा हूँ, ये नॉर्मली हम इसको लेके चलेंगे। आँखें भी छोटी बड़ी होती है लोगों के हिसाब से, चाइनीज़ का छोटे आँखें होती है। तो अभी ये हो गया, और ये एक्चुअली मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, एक्चुअली असल में देखा जाए तो थोड़ी सी अंदर होती है। अभी हम आपका मर्जी, आप यहाँ से करो या थोड़ी सी अंदर, अगर हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं तो इसको भी हम यहाँ से शुरू करें, थोड़ी सी अंदर होती है, थोड़ी सी बस। और साइज़ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, आप अप्रोक्सीमेटली आप ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। मैं पहले वाला लाइन को मिटा देता हूँ, आपको इतना याद रखना है, मैं उसलिए बार बार उसको कह रहा हूँ, आपको याद रखना है। अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आँखें का ड्राइंग हम डिटेल में सीखेंगे, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे सारा ड्राइंग, और मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके जानकारी के लिए। प्लेसमेंट आज का जो है वो सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे आँख कहाँ होती है, नाक कितनी लंबी होती है, नाक कहाँ होती है, होंठ कहाँ होते हैं। अब बाकी ये आँखें होगी, अभी माउथ, और ये माउथ मोटी पतली होती है, इसका कोई सटन नापी हम ये नहीं कर सकते, इतना होना चाहिए। चलिए अंदाजन मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ एक वी शेप है, और ये मुंह कितनी बड़ी होती है, ये एग्जैक्टली आँखों के बीचा बीच मैं अगर एक लाइन खींचता हूँ, बिल्कुल आँखों के सेंटर में माउथ का नापी मुझे मिल जाता है, बिल्कुल सेंटर में, ये थोड़ा सा इधर हट गया, बिल्कुल सेंटर में अगर मैं खींचता हूँ। तो ये हो गया पोजीशन माउथ की। अभी मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ, और ये यहाँ तक ले लेता हूँ, और ये एंड है, मैंने बताया था इसके यहाँ नहीं जाएगी, और थोड़ा सा ऊपर हो गया, और ये हम माउथ ड्रॉ कर लिए। ये आ गया चिन, और आईब्रोज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं ये आईब्रोज को हम एक पॉइंट में मिला लेते हैं यहाँ से, और आईब्रोज थोड़ी सी आगे होती है, और हम जब आँख सीखेंगे तब मैं आईब्रोज के बारे में आपको सही ढंग से बताऊंगा। आपको इसीलिए देखना ज़रूरी है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये बहुत आसान है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ है ही नहीं। तो ये हो गया आपका चेहरा, यहाँ थोड़ा सा गोलाई में फ़र्क है, तो इसीलिए ये नज़दीक ये दूर आ गया, हम दोनों को एक जैसा बना देंगे। और अभी मैं यहाँ कान ड्रॉ करूँगा, कान कहाँ होती है, कान सीधे सीधे आईब्रो से लेकर, आप मिरर में भी देख सकते हो अपना चेहरा देख के, और नाक तक, यहाँ से लेके नाक तक, आईब्रो से लेके नाक तक, ठीक है। और ये जो है उसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, ये अंडे शेप का अंदर, क्योंकि ये पार्ट आँखों के सामने थोड़ी सी दबी हुई होती है, और फिर यहाँ गोला पीछे जाती है, तो कान यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से कान निकला, ये टॉप भाग, और यहाँ मैं कान का भी डिटेल आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियोस में, हमें देखेंगे कि कान कैसे बनाया जाता है, ये सारे मैं बताऊँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले इसका पोजिशनिंग का हमें पता चल जाए, ठीक है। और ये अभी हम चीन को थोड़ा सा शेप दे देंगे,
ये दोनों को एक जैसा बना देंगे। अब ये लाइन में मिटा देता हूँ ताकि दोनों तरफ एक जैसा बन जाए। ये हो गई, ये लाइन का कोई काम है नहीं, इसको रहने दीजिए जानने के लिए। सिर्फ ये अभी पोजीशनिंग पता चल गया। अभी ये बाल मैं यहाँ कुछ ऐसा कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे। और बाल का थोड़ा सा थिकनेस होती है ऊपर, इसको हम या थोड़ा सा उसका थिकनेस दे देंगे। अभी ये हो गया अपना चेहरा, और ये जो गर्दन या गला होता है वो यहाँ से निकलता है, सीधा कभी नहीं होता। देखिए मैं सीधा लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन ये मोटी नज़र आएगी। गला हरदम थोड़ा सा ऐसा, ये थोड़ा सा चीन और चीन से ऊपर यहाँ इस तरह से थोड़ा सा कम, इस तरह से थोड़ा सा कम, ये हो गया, ये गला हो गया। तो ये हमारा बन गया चेहरे का पोजिशनिंग, जो अलग अलग आँख, नाक और मुंह और आईब्रोज और चिन, ये अलग अलग मैंने इसको आपके सामने बना कर रखा है। आपको अगर समझ नहीं आता हो आप इसको देखिए, ड्रॉ कीजिएगा, बार बार ड्रॉ कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ में आ जाए तो आगे ड्राइंग में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। तो अभी हम और एक बार फटाफट इसको रिव्यू करते हैं। हमने वीडियोस में पहले, इससे जो पहले मैंने बताया था उसमें क्या समझे कि सर एक गोला है और उसको हमें अंडा बनाना है। अगर अंडा एक बार में नहीं बनता हो तो हम इसको मैंने क्या बताया था, आधा करना है और आधा इतना और इधर नीचे ले लेंगे। ये लंबी छोटी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इतना ही है। हम इसको थोड़ा सा लंबा या थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ये बन गया चेहरा। असल में जो स्कल होता है, स्कल वो अगर हम देखें तो ये इस तरह से दिखता है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये पीछे तरफ जाती है, स्कल इस तरह से दिखता है। तो यहाँ कान आ जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ ऐसा ही रखा है। तो अभी इसको मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाथ से आपको बता रहा हूँ। आधा कर दिया, अभी इसको हम इसको मिटा देंगे। ये हल्का फुल्का लाइन था, अब इसको आधा करेंगे, हाफ लेंगे अंदाजन, आधा करेंगे यहाँ। तो ये लाइन यहाँ तक आया, आँख के लिए ये लाइन बन गई, इसका आधा करेंगे, नाक के लिए ये लाइन बन गई, ये होंठ के लिए लाइन बन गई। हम फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, नाक का नापी मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो है इसको आधा करेंगे, ये जो है इसको आधा करेंगे, ये जो, ये दोनों लाइन चेक करना, सेम होना चाहिए, नहीं छोटा बड़ा होगा तो सारे छोटे बड़े हो जाएंगे। इतने बड़ी नाक होगी और उसको आधा करेंगे तो उसका जो बॉल होती है, नाक का टिप जो होता है वो बॉल जैसा होता है, इसका अंदर आना चाहिए। और ये पूरा यहाँ से और ये आँखों का यहाँ से शुरू होती है। तो इसको मैं नाक का डिटेल में बताऊंगा, तो आपको सिर्फ ये पोजीशन के लिए बता रहा हूँ। और ये नाक बन गया। अभी आँख उतनी ही पड़ी, थोड़ी से अंदर, थोड़ी से जस्ट थोड़ी से अंदर, नाक आँख इतनी ही बड़ी। मैं इसको ड्रॉ कर लिया, बीच में आईबॉल बना लेता हूँ और ये बना लेते हैं, बीच में आईबॉल उतनी ही बड़ी बना लिया, इसको बना लिया। अब आईब्रो यहाँ कोई भी एक सर्टन पॉइंट डिसाइड करेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे ये पॉइंट से, और सेम लाइन में ये पॉइंट से यहाँ। मैं आईब्रो का भी बताऊँगा डिटेल। और अभी हमें पता है आईब्रो कान, आईब्रो से लेके नाक तक, यहाँ से हम कान बनाएंगे और यहाँ ये जो पार्ट है यहाँ से लेके ये कान बन गया। और यहाँ ये दो, एक छोटा सा वी होता है,
ये स्पेस मूंछों का स्पेस है, लड़कियों में नहीं होता है, लेकिन हम अंदाजन करेंगे। ये यहाँ से हम आँखों का बीच में से एक लाइन ले लिए, ये हम मान के चलें अगर होंठ बना रहे हैं तो ये, और सेम होंठ भी अलग से हम सीखेंगे आगे, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। ये हो गया। अभी अगर आपको चिन को एक्सटेंड करना है, हम इसको कर सकते हैं। किसी का चिन फ्लैट होता है, आप फ्लैट कर लीजिए। किसी का चिन ऐसा होता है, आप ऐसा कर लीजिए। सेम ये हो गया। और यहाँ से हम गला निकाल लेंगे इस तरह से, ये लाइन में आके ये बन चुकी है। इसको थोड़ा सा थिकनेस दे देता हूँ, ये थोड़ा सा थिकनेस दे देता हूँ। ये हो गया। और यहाँ से लड़की बनाते हैं, चलिए। और यहाँ से ये लड़की हो गई, ये लड़कियों का बाल ऐसा है। और यहाँ से थोड़ा सा थिकनेस, बालों का भी थोड़ा सा वॉल्यूम होता है, और यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम दे के यहाँ ले लिया। ये बन गया आपका एक लड़की का चेहरा। अगर ये सही आपको याद रह जाए जो जो मैंने बताया है, इसको काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए और इसको याद कर लीजिए, इसका पोजिशनिंग और इसका जो, कभी छोटी बड़ी नहीं बनेगी, कभी ऑड नहीं दिखेगा, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि किसी का चेन पतली होती, किसी का मोटी होती, किसी का गाल फुला हुआ होता है, वो बाद में हम देखेंगे। आज का वीडियो में हमने ये सीखे कि एक चेहरा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और उसका जो आँख नाक कान की पोजिशनिंग्स क्या है, ये हमने सीखे। तो ये आपको बहुत मदद करेगा एक फेस ड्रॉ करने में, और आसानी से आपको सारे चीज़ याद रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। लोगों को हो सकता है कि बोर लगे, क्योंकि काफ़ी समझाता हूँ, लेकिन ज़रूरी है समझाना, क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ आपको सिखाने बैठता हूँ तो मेरा टोटल फोकस ये रहता है कि एज इफ मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हो और मैं उसको सिखा रहा हूँ। अगर मैं बताता हूँ आप सीख नहीं रहे हो, तो मेरा सारा श्रम व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया मेरा परिश्रम। चाहे आप सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, मैं अपना काम पूरा करता हूँ, ये सोच के कि मैं अगर आपको सिखाना चाह रहा हूँ तो आपको सीख के ही जाना है यहाँ से। हर एक वीडियो ऐसा ही बनाता हूँ। सब्सक्राइबर्स क्यों कम है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत तरह के काम डालते हैं, स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, क्ले मॉडलिंग मिल जाएंगे, ड्राइंग से, पेंटिंग से, हम धीरे धीरे पेंटिंग का तरफ भी जाएंगे, और सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन ड्राइंग का बेसिक से लेके मैं कभी जंप करके आगे नहीं निकलता हूँ, धीरे धीरे ये वन बाई वन आगे हम बढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे जो लाइन ड्राइंग का वीडियो है, पहले शुरुआत से अगर कोई देखता है और प्रैक्टिस करता जाता है, ये मेरे तरफ से गारंटी है, वो खूबसूरत ड्राइंग करेगा, उसका ड्राइंग बुरा या ख़राब नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, वो शुरुआत से देखें, हर एक वीडियो को प्रैक्टिस करें, देखें, समझ में नहीं आया दोबारा बैक जाके देखें। तो इस तरह से ड्राइंग सीखा जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, हर एक चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, अचानक कोई चीज़ नहीं बन जाता, थोड़ा सा श्रम देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और मैं जो समझा रहा हूँ उसको बिल्कुल आँख बंद करके आप फॉलो कीजिए, आप ज़रूर एक दिन अच्छा ड्राइंग कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी सम मोर वीडियोस, यू मे गो टू आवर प्लेलिस्ट to watch our all videos, or whatever you like, you can watch it from there. Thank you very much.